प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका कौशल लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो में फार्मूला डेरिवेशन वाले क्लास को आगे बढ़ाते हुए ड्राइव करने वाले हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। आपको बता दूं, इस क्लास को शुरू करने से पहले इससे पहले दो वीडियो फार्मूला के ड्राइव किए गए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर सीक्वेंस में देखते हैं तो 100% में 100% आपको समझ में आना तय है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीछे के दो वीडियो में हम क्या सिद्ध किए हैं। तो उसमें आपको हम सिद्ध करके बता चुके हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी होता है। इतना होता है। कैसे होता है सिद्ध करके बता चुके हैं। दूसरे वीडियो में हमने आपको सिर्फ इतना समझाया था कि साइन ए माइनस बी कैसे बराबर होता है, कितना के, तो साइन ए इंटू में कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। पिछले दो वीडियो में हम लोग इन्हीं दो फॉर्मूला को सिद्ध किए हैं। अक्सर बच्चे इस फॉर्मूलाज को रटा करते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देखिए, समझ लीजिए, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी हम देते हैं। बस आपको शिद्दत से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज हम तीसरा और चौथा क्या सिद्ध करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम दो फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला होगा आपका कॉस ए प्लस बी, जो कि कितना के बराबर होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी। सब कोई रटता है, इतना होता है, लेकिन कैसे, कहां से इतना आता है, इस चीज को सिद्ध करेंगे। चौथा आज हमको देखना है कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। इन्हीं दो फॉर्मूलाज को आज हम क्या करेंगे सर, ड्राइव करेंगे आज की इस क्लास में। इन दोनों को सिद्ध करने के लिए इन दोनों का देखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिद्ध हुआ है तो इसके आधार पर ये सिद्ध हुआ है। आज दूसरे वाले के आधार पर तीसरा वाला सिद्ध होगा और तीसरे वाले के आधार पर चौथा वाला सिद्ध होगा। इसलिए इस क्लास को इस कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूला का सिद्ध करते हुए को देखने के लिए आप इस दूसरे फॉर्मूला का ड्राइव वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बात को मानेंगे और इस क्लास को, इसके पीछे वाले क्लास को देख के ही यहाँ पे आएंगे। तो हम शुरू करते हैं कॉस ए प्लस बी का तीन नंबर जो फॉर्मूला है, क्या है, कॉस ए प्लस बी, थोड़ा नीचे लिखेंगे हम, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू में साइन बी माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी। इसको देखते हैं यह कैसे इतना चीज इसके बराबर होता है, इसका सिद्ध प्रूफ देखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप एलएचएस को उठाइए। एलएचएस कितना है हमारे पास, तो कॉस ए प्लस बी है। अब देखिए इसको किस रूप में हम लिख रहे हैं। आप एक बात तो जरूर जानते हैं कि साइन 90 माइनस जो ए होता है वह होता है कॉस ए। एकदम आराम से साइन 90 माइनस ए का होता है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर भी तो हो सकता है साइन 90 माइनस ए। तो इस चीज के बदले हम लिख रहे हैं यहां पे साइन, ध्यान से समझिएगा, 90 माइनस में ए प्लस बी। बात समझिए, फिर आप बैक जाएंगे तो साइन 90 माइनस ए काम कर रहा है ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो कॉस ए काम कर रहा है ए प्लस बी। एकदम आराम से इतना हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ना है कॉस ए प्लस बी बराबर, इसको देखिए किस रूप में लिखते हैं, साइन, यहां ब्रैकेट तोड़ेंगे सर, तो 90 माइनस का ए और माइनस का कितना हो जाएगा बी। एकदम आराम से इसके आगे, इसको इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन, इसको लिख देते हैं 90 माइनस ए को एक साथ कर देते हैं और माइनस को बी कर देते हैं। समझिए बात को, इस चीज को थोड़ा सा मेकअप करके हमने लिख दिया है साइन 90 माइनस ए माइनस का बी। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। आपको बताया हमने कि दूसरा
दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। दूसरा फॉर्मूला था आपका कि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। इसका प्रयोग हम यहां पे करेंगे, आप इस बात को दिमाग में बैठाइए कैसे। तो साइन ए, ए काम कर रहा है 90 माइनस ए, अब बी काम कर रहा है बी, तो साइन ए माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसको बैठाइए सर इस फॉर्मूला पर, कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी। तो साइन ए, ए काम कर रहा है 90 माइनस ए, तो साइन ए माइनस में साइन ए इंटू में कॉस बी, तो कॉस बी कॉस अभी काम कर रहा है बालक बी। हम एकदम हूबहू इस फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, फर्क कितना है कि यहाँ एक जगह 90 माइनस ए है, अब बी के जगह ऑलरेडी बी है, माइनस के माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होता है, माइनस माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी, तो कॉस ए, तो कॉस ए, ए काम कितना कर रहा है जी, तो 90 माइनस ए कर रहा है, आ साइन बी, तो बी साइन बी, बी के काम बी कर रहा है, तो साइन बी लिख दीजिए एकदम आराम से। इसके आगे बढ़िए तो कॉस ए प्लस बी बराबर साइन 90 माइनस ए, हम आप दुनिया सब कोई जानता है कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, तो यहाँ लिख देना है हमको कॉस ए इंटू में कॉस बी एकदम आराम से, माइनस कॉस 90 माइनस ए साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू में यहाँ का होगा बालक साइन बी। अब इस तरह से आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है, जिसको हमने ऊपर लिखा कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रयोग करके हम नेक्स्ट फॉर्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, जो कि क्या है, कॉस ए माइनस बी वाला। तो आइए देखते हैं उसको भी सिद्ध करते हैं। नंबर चार, कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है। इसको सिद्ध करने के लिए आप एलएचएस को उठाइए, एलएचएस कितना है, कॉस कॉस ए माइनस का बी। इस चीज को क्या लिख सकते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा, कॉस इसको कर देते हैं हम, इसको लिख देते हैं ए प्लस माइनस का बी एकदम आराम से। फिर बैक आप आइए तो कॉस के कॉस ए प्लस माइनस माइनस बी, यहां होगा कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस माइनस बी को फिर हम हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला है, अभी अभी जस्ट जो सिद्ध किया गया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला सिद्ध किया गया है कि कॉस ए प्लस बी कितना, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, साइन ए इंटू में साइन ए इंटू में साइन बी इतना होता है। अब इसी पे इस चीज को क्या करना है, हमें बैठा देना है कैसे, तो कॉस ए प्लस प्लस बी काम कर रहा है माइनस बी, अब लिख दीजिए यहां पे, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी, बी काम कर रहा है माइनस का बी। ठीक है जी, माइनस फॉर्मूला में आ रहा है माइनस, क्योंकि प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो यहां होगा साइन ए, तो साइन ए, ए काम कर रहा है ए इंटू में साइन बी, तो साइन बी, बी काम कर रहा है माइनस का बी। ठीक है जी, आगे बढ़िए, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू में, अब आप एक बात और याद कीजिए, आप जानते हैं एक बात कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, आ कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा एकदम आराम से। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, आ कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आप इसका भी डेरिवेशन होता है। ठीक ना, आप कभी इसका भी समय कभी होगा तो इसको भी प्रूफ कर देंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा कैसे हुआ, आ कॉस माइनस थीटा में माइनस कहाँ गायब हो गया, खाली कॉस थीटा हो गया, इसका भी प्रूफ आपको कभी हम बता देंगे। चल अभी आप इतना जानिए कि साइन के थीटा में अगर माइनस होता है तो उस माइनस को साइन पीछे उगील देता है, और कॉस के थीटा में अगर माइनस होता है तो वह निगल जाता है, एगो उगील देता है, एगो निगल जाता है। तो यहाँ से कॉस के थीटा में माइनस है तो ये निगल जाएगा, यहाँ का होगा सीधे कॉस बी। ठीक है, यहाँ माइनस का बाबू मेरे साइन ए, यहाँ देखिए साइन माइनस बी है, तो अभी आप देख ही रहे हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन
बी, एकदम आराम से। यहाँ ये कॉस ए माइनस बी बराबर में कॉस ए इंटू में कॉस बी, माइनस पीछे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, साइन ए इंटू में साइन बी। आप इस तरह से देख सकते हैं जो कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला भी सिद्ध हुआ कि कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला भी सिद्ध हुआ। क्या फार्मूला बना? कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। अब पिछले दो वीडियो में सीखे गए फार्मूला और इस वीडियो में सीखे गए दो फार्मूला को, चारों फार्मूला को एक साथ लिखते हैं और याद करने का आपको तरीका बताते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जो भी फार्मूला का हम ड्राइव करेंगे इन्हीं चारों का सहायता से करेंगे। यह चारों समझिए कि मूलभूत फार्मूला है एडवांस मैथ का और 11th क्लास के मैथ का, ठीक ना। आगे समझिए फार्मूला हम क्या क्या सीख लिए। तो हम सीख लिए एक नंबर में, पिछले फर्स्ट वीडियो में सीखे थे साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए इंटू में कॉस बी आप प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, इसको सीखे थे। कौन क्लास में सीखे थे? फर्स्ट क्लास में हम सीखे थे, एकदम आराम से फर्स्ट क्लास में। इसके बाद हम दो नंबर में हम लोग सीखे साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है। आज हम लोगों ने तीसरा फार्मूला क्या ड्राइव किया? तो कॉस ए प्लस बी बराबर में कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी, एकदम आराम से। और चौथा हम लोगों ने सिद्ध किया कि कॉस ए माइनस बी जो होता है वह बराबर होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी आप प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। इस चारों फार्मूला को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से शिद्दत से समझा कर इस बात को आपको बताया है, ठीक है जी। अब याद करने का थोड़ा तरीका बता देते हैं आपको। इसको समझिएगा, साइन वाला है ईमानदार ईमानदार, आ कॉस वाला है सर बेईमान। कैसे ईमानदार बेईमान कह सकते हैं सर? तो आपको समझा देते हैं। इस ईमानदार बेईमान के थोड़े से समझदारी वाली ट्रिक से अगर दिमाग में बैठाइएगा तो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। क्या बात है? तो साइन ए प्लस बी, अगर प्लस है साइन ए प्लस, तो देखिए साइन खुद ए लिया है और कॉस को बी दिया है, प्लस के प्लस है और फिर जो साइन ए लिया है वो कॉस को ए दिया है और साइन कॉस के बी को साइन ले लिया है, साइन बी हो गया है। यानी कि साइन बराबर बराबर का हिस्सेदारी कॉस के साथ कर रहा है, जो अपने पास रखा है जो कॉस को दिया है अगले टर्म में उसको बदला बदली कर लिया है। यहां भी वही हाल हो रहा है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी, बस प्लस की जगह माइनस है तो यहां माइनस हो गया, यहां प्लस है तो प्लस हो गया, बराबर बराबर का साझेदारी है। आप देख सकते हैं इस बेईमानवा को, देखिए क्या कर रहा है, कॉस ए प्लस बी को दोनों अपने पास ले लिया है, कॉस ए इंटू में कॉस बी पहले दोनों अपने पास ले लिया है पहला ही, और उसके बाद क्या किया है माइनस को साइन वाला को माइनस में धकेल कर फिर कहा है अब एक बार तू ए ले लो एक बार बी ले लो काम खत्म। जो अपने पास रखा है उसको भी दिया है लेकिन माइनस में धकेल के दिया है, और जहां इसको माइनस हुआ है वहां पे ही प्लस कर लिया है। तो इस तरह से दिमाग में बैठा कर रख सकते हैं कि यहां बेईमानी दिख रही है कि पहले दोनों हड़पा है फिर बाद में साइन को दिया है और उसको माइनस में धकेल दिया है, और माइनस में है तो दोनों पहले ले लिया है और फिर साइन को दिया है और प्लस कर दिया है, ठीक ना। तो इस तरह से आप इस इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, समझदारी से दिमाग में रख सकते हैं, आगे बहुत काम आने वाला है। उम्मीद करते हैं आज ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने राय को जरूर लिखिएगा, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन व्यक्तियों तक उन बच्चों तक भी पहुँचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, जो हर एक बात को समझ के पढ़ना चाहते हैं, रट के नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना। तो वैसे बच्चों को जरूर आप सजेस्ट कीजिए, ये वीडियो देखे उसको फायदा पहुंचेगा और आगे बहुत अच्छा मैथ होते चला जाएगा। तो कैसा लगा जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।